गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने सिंधिया को चुनौती नहीं मानने की बात कही। मंत्री मिश्रा ने सिंधिया जी ने कांग्रेस को बता दिया है कि चुनौती कैसे होती है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पर हमला करते हुए मंत्री मिश्रा ने कहा कि अधिकारियों की जांच की मंजूरी ठीक कार्रवाई के लिए दी गई है। नरोत्तम मिश्रा ने बिजली संकट पर सत्र बुलाने की मांग की। बीजेपी की बैठकों और कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन पर भी अपने विचार व्यक्त किया। ये सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। वो पहले भी न्यायपालिका पे प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं और सदैव कभी सेना पे सवाल उठाना, कभी न्यायपालिका पे उठाना, कभी ईवीएम पे उठाना, कभी वैक्सीन पे उठाना, यही उनकी विशेषता है। जो अभी तब थी वो अब कर रहे हैं। मेरे ख्याल से समझने में कोई त्रुटि हो रही है माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के, और उसको अगर वो ठीक से अध्ययन कर लेंगे तो ठीक कानूनी कार्रवाई हो, उसके लिए वो प्रक्रिया और वो कानून लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और संगठन का भाव, जनता की सेवा का भाव, विकास का भाव सदैव होता रहता है, इनके अंदर ही रहता है। और इसलिए परस्पर विचारों का आदान प्रदान, परस्पर संवाद, ये इस पार्टी की हमारी की विशेषता है। इसलिए लगातार बैठके चलती है। माननीय प्रभारी हमारे आए हुए, अब बताओ कांग्रेस बिजली संकट पर मांग कर रही है, जिनके कार्यकाल में कभी कभी बिजली आती थी दिग्विजय सिंह के में, वो कांग्रेस मांग कर रही है। बिजली का बेड़ा गर्क ही ने किया था, मिस्टर बंटाधार इसीलिए कहलाए थे। अब वह हास्यास्पद सा लगता है, किसान की बात वो कर रहे हैं जिनने कर्ज माफ किए ही नहीं, नौजवान की बात वो करे जिनने एक भी बेरोजगारी भत्ता दिया ही नहीं घोषणा पत्र में लिखने के बाद। ये हास्यास्पद चीजें हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी कोई भी जगह ऐसी जहां भ्रम फैल सकता है वहां तत्काल एक्टिव होती है, क्योंकि उनकी राजनीति पूरी भ्रम पर, वहम पर और झूठ पर आधारित है। जब चुनाव आता है तो घोषणा पत्र में झूठ बोलते हैं, जब चुनाव नहीं होता है तो घोषणा पत्र के लिए भ्रम फैलाते हैं और वहम फैलाते हैं।